हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 9 टेंथ में पढ़ रहे हैं या टेंथ का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और 11th में आगे स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स का रोल जो है बच्चे के करियर को डिसाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो यह नहीं है कि स्टूडेंट को आगे साइंस से पढ़ना चाहिए, कॉमर्स से पढ़ना चाहिए या आर्ट्स से पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हमारा एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग इन सब पर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है यह है कि स्टूडेंट को मैथ एज ए सब्जेक्ट के आगे लेना चाहिए, अगर वह साइंस पढ़ रहा है या कॉमर्स पढ़ रहा है या फिर आर्ट्स लेना चाह रहा है, तो क्या उसको मैथ को एज ए सब्जेक्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, CBSE ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक नई मैथ लॉन्च की है अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से। जो पहले मैथ चलती थी या जो अभी चल रही है कोर मैथमेटिक्स, वो बेसिकली साइंस स्टूडेंट के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी। अब ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसका जो फॉर्मेशन है वह कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट को ध्यान में रख के किया गया है। तो अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, मैथ की फील्ड से जाना चाह रहे हैं, जैसे BTech करना चाह रहे हैं या BSc करना चाह रहे हैं या MSc करना चाह रहे हैं, तो आप कोर मैथमेटिक्स लेंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं और आर्ट्स से आगे पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आगे आप CPT, CA या बैंकिंग फील्ड में जाना चाहेंगे या कोई अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड में जाना चाहेंगे, तो उसमें जिस तरह की मैथ आती है या जिस तरह की स्किल की ज़रूरत है वह स्किल आपको प्रोवाइड करेगी अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यह जो है, आगे आप किसी भी तरह के कंपटीशन देने चाहेंगे, बिना मैथ के देखिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, हर कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग तो होती ही है। और बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या होती है कि वह टेंथ के बाद अगर मैथ छोड़ देते हैं और उसके बाद जब वह ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो अचानक से उनके पास एक जनरल मैथ का पेपर आता है, रीजनिंग का पेपर आता है, अब वो मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप 4-5 साल गैप करने के बाद कोई टर्म पढ़ना शुरू करेंगे, तो निश्चित है कि प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी। वैसे ही आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, आर्ट्स लिए और वह मैथ नहीं लेते हैं, तो उनके लिए भी उतनी ही डिफ़िकल्टीज़ होती है कि आप कोई भी कंपटीशन देते हैं, कोई वनडे SSC का एग्ज़ाम देते हों, बैंकिंग का देते हों, रेलवे का देते हों, कोई भी छोटा से छोटा आप कंपटीशन देंगे, तो उसमें भी मैथ का और रीजनिंग का पेपर होता ही होता है। तो यह जो CBSE ने काम किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, उसका पर्पज़ ही यही है कि स्टूडेंट को आगे के लिए प्रिपेयर करना। आप एक बार देखिए, देख लेते हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन यह हो सकता है कि भाई मैथ हमारी बहुत वीक है। देखिए, मैथ वीक है या स्ट्रांग है यह तो पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट के बेसिस पे चेक कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको मैथ में समझ आती है, हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपका जो परफॉर्मेंस हो 9th-10th में बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप एवरेज अपने आप को 50% के स्टूडेंट मानते हैं कि हम 50% अचीव कर सकते हैं, तो आपको मैथ ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल से होना चाहिए या आपके इंटरेस्ट से होना चाहिए या उसका यूज़ क्या है उस बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर आपको वाकई में करियर बनाना है और आगे आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपको मैथ लेना ही चाहिए। अब देखिए, मैथ में अगर आप मैथ लेते हैं तो डिसिप्लिन मैनर में अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित ही मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट हो सकता है और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो डिसिप्लिन और दूसरी बात रेगुलर आप वर्क करते रहें। मैथ इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको आसनर सब्जेक्ट ट्रीट करिए और एग्ज़ाम के पहले 2-4 दिन पढ़ करके परफॉर्म कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैथ अगर आपको लेना है तो रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, और हमारी गारंटी है कि अगर आप रेगुलर वर्क करेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो परफॉर्मेंस में दिखेगा। देखिए, हर अच्छी चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि अगर आपको एक साइकिल खरीदना है, तो
तो आपके पास कुछ पैसे हैं, अरेंज किया साइकिल ले लेंगे। वहीं अगर एक कार खरीदनी है तो फिर आपको पैसे जुटाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद जा कर के आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि कार ले पाएंगे, और कार ले पाएंगे तो फिर कार का मज़ा आप समझ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो स्कोरिंग तो है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आगे आप जो करना चाह रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, तो फिर उस सब्जेक्ट के लेने का कोई मतलब नहीं है। कागज़ पे चीज़ें दिखेंगी कि हमने 90 मार्क्स गेन किए 100 में, वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप 100 में 70 ही गेन करते हैं लेकिन आप में स्किल डेवलप्ड हुई है और वह आपके लिए यूज़फुल है तो हमें लगता है कि 70 के साथ जाना चाहिए। और देखिए, एक गलत धारणा लोगों की है कि मैथ में मार्क्स कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हम मैथ में आप जितनी मेहनत करते हैं उतने मार्क्स मिलते हैं। मैथ में बच्चे 100 भी स्कोर कर रहे हैं आजकल, 95-98 जनरल बात हो गई है। अगर थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट है और डिसिप्लिन वे में मेहनत किया है तो पा सकता है। तो इसलिए मैथ में यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्कोर नहीं होता। और दूसरी बात देखिए, स्कोर और उसका जो है पेट का लेवल पे कन्वर्जन, यह रेट मैथ में सबसे ज़्यादा। आप इसको ऐसे समझिए, एक्सरसाइज हम लोग करते हैं बॉडी फिट होती है। एक्सरसाइज क्या किसी पर्टिकुलर के लिए है? नहीं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्कर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, यह सभी लोगों के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि इससे बॉडी फिट होती है। तो ठीक वैसे ही मैथ जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। मैथ को पढ़ने वाला आदमी मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, लाइफ में किसी प्रॉब्लम को डील करने का उसका नज़रिया अलग होता है, और किसी भी कंपटीशन लेवल पर इसीलिए मैथ रखी ही जाती है। हाँ, उसका फॉर्म थोड़ा अलग हो सकता है, उसका लेवल थोड़ा कम अधिक हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग के टर्म्स तो होते ही हैं। तो देखिए, कंक्लूज़न के तौर पे क्या कि अगर आप आज पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं और कॉमर्स साइंस या आर्ट्स चूज करना चाह रहे हैं तो मैथ को एक सब्जेक्ट के फॉर्म में रखिए। और जो बोर्ड का यह जो अरेंजमेंट है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो CBSE बोर्ड ने इस बार लॉन्च किया है, वह इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के किया है कि जो साइंस के बच्चे हैं उनकी मैथ तो ठीक है, कोर मैथ है, उनको मैथ तो पढ़ना ही है, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके करियर में आगे जो डिफ़िकल्टी होती है मैथ की वजह से वह ना हो, और बच्चे पहले से प्रिपेयर रहें और वह ज़रूरत पड़ने पर अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उसको बहुत आराम से क्लियर कर पाएँ। हाँ, एक बात और यह है, मैथ किन बच्चों को नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किसी वजह से या उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और उनको पढ़ाई एक बोझ की तरह लगती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वह आगे फर्दर स्टडी के लिए मैथ को सब्जेक्ट के तौर पे नहीं चूज करें। क्यों? क्योंकि उनमें हो सकती है कोई दूसरी स्किल हो लेकिन मैथ पढ़ने की स्किल नहीं होगी, तो इसलिए उनके लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है कि वह मैथ को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रखें। लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है जिनका पढ़ाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और किसी फील्ड में वह जाना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैथ को सिलेक्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है उसको वह चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद उसके एडवांटेज पा सकते हैं। देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा है जो कंटिन्यू मैथ लिया, मतलब 11th 12th और हायर एजुकेशन में मैथ पढ़ा, एक बच्चा है जो 10th के बाद मैथ ड्रॉप कर दिया है, दोनों किसी कंपटीशन में बैठते हैं, जैसे बैंकिंग के ही कंपटीशन में बैठते हैं या SSC रेलवे के कंपटीशन में बैठते हैं, तो आप ये जानिए कि जो बच्चे 10th के बाद मैथ छोड़ दिए हैं तो उनके लिए मैथ कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर उनको वही टर्म पढ़ने पड़ेंगे, तो तय है कि उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। और जो बच्चे अप्लाइड मैथ के फॉर्म में 10th के बाद मैथ पढ़ रहे थे तो वह बिल्कुल तय है कि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा होगा और वह उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के बनाने का हमारा बेसिक मतलब बस यही था कि अगर आप में कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है, तो आपको मैथ ज़रूर चूज करना चाहिए। हाँ, कोर मैथमेटिक्स की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कोर मैथमेटिक्स जो है वह बेसिकली साइंस स्टूडेंट के लिए है और उन स्टूडेंट के लिए है जो कि आगे इंजीनियरिंग में या BSc MSc मैथ से करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। हाँ, एक बात ये भी समझते हैं, देखिए जो बायो स्टूडेंट हैं वह मैथ, उनको भी मैथ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी बायो की बात हो रही है तो फिजिक्स भी तो है, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं,
तो तय है कि जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, तो अगर हो सके तो उनको भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथ को चूज करना चाहिए। बाकी हमें लगता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट को तो मस्ट है कि वह अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करें, और आर्ट्स के स्टूडेंट जिनको आगे पढ़ाई में कुछ अचीव करना है या कोई आप एग्ज़ाम दे के किसी जॉब की बात कर रहे हैं तो आपको अप्लाइड मैथ बिल्कुल लेनी ही चाहिए। और इसमें देखिए गार्जियन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों के करियर को डिसाइड करने में, तो आप इसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन आसान या डिफ़िकल्ट है इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसका कन्वर्जन रेट क्या है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में उसका रोल क्या है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको फिर पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और निश्चित ही आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसमें सबसे आगे वाले व्यक्ति में होंगे। तो कंक्लूज़न यही है कि अगर आपकी कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है, तो आपको मैथ एक कॉप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए आज की जो वीडियो थी स्पेशली इस बात पे बेस्ड थी कि 11, 12 लेवल पे हमको मैथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम एक और वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट को साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए, कैसे इसका चुनाव करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक डिटेल स्टडी कर रखी है, अपने 20 साल के टीचिंग करियर में हमने हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया है, और वह बहुत से स्टूडेंट जो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं वो आज भी हमारे टच में हैं, उनकी साइकोलॉजी को हम रीड करते हैं और उनके बेसिस पे एक हमने रिसर्च तैयार करी है, और उस बेसिस पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।